आज हम पढ़ेंगे मेनियर्स डिजीज, ऑल्सो नोन एज एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। तो क्यों होता है म्यूटेशन? इन शॉर्ट टर्म ऑफ क्रोमोजोम नंबर 6 पे म्यूटेशन होता है। तो मेनियर्स डिजीज जो होती है वो हेरिडेटरी होती है। होता क्या है, जो एंडोलिम्फ होता है आपका, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से साल्ट वाटर रिटेंशन होता है। तो क्या होगा, रिटेंशन होगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है और एंडोलिम्फेटिक सैक से आपका जो है ड्रेनेज नहीं हो रहा है, तो डायलेटेशन होगा स्केला मीडिया का, डायलेटेशन होगा यूट्रिकल का और सैक्यूल का। जब डायलेटेशन होता है आपके कॉकलिया में, डायलेटेशन आपका होगा तो ये सारा डायलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये एपेक्स है और ये पार्ट बेस है, ये सारा बेस है। तो एपेक्स में जब एपेक्स मेनली होता है लो फ्रीक्वेंसी के लिए, हियरिंग के लिए, और जो बेस होता है, ये सारा बेस है, ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। तो सबसे पहले इफेक्ट होगा आपका यहाँ जो हेलिकोट्रेमा है, इसका जो एपेक्स है यहाँ पे ये डायलेट होगा, और जिसकी वजह से लो फ्रीक्वेंसी आपका इफेक्ट, लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होगी। एपेक्स इन्वॉल्व होगा सबसे पहले, तो लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस्ट होगा। दूसरा क्या होगा, डायलिटेशन ऑफ एंडोलिम्फ, जिसकी वजह से जो रप्चर होगा, रिजनस मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाएगा। अब रिजनस मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो क्या होगा, मिक्सिंग हो जाएगी एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ की, जिसकी वजह से टिटिनेस होगा, वर्टिगो होगा, हियरिंग लॉस होगी, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होगी। क्यों फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस होगी, ये जो कॉकलिया देख रहे हैं, अब इसका कट सेक्शन लेंगे। कट सेक्शन देखने के बाद क्या दिखेगा, कट सेक्शन में ये दिखता है, जिसमें होता क्या है कि यहाँ होती है एंडोलिम्फ और यहाँ होती है पेरिलिम्फ। ये है रिजनर्स मेम्ब्रेन, तो एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ड्रेनेज नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन कहाँ से होता है, ये है स्ट्राया वैस्कुलारिस, यहाँ से प्रोडक्शन होता है, यहाँ रिच ब्लड सप्लाई होती है। तो होता क्या कि रिजनर्स मेम्ब्रेन, अब यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो रिजनर्स मेम्ब्रेन को इधर पुश करेगा, जिसकी वजह से रिजनर्स मेम्ब्रेन आप यहाँ देख रहे होंगे पुश हो रहा है, और एक लेवल के बाद जाते जाते आपका ये रिजनर्स मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ की मिक्सिंग होगी। बेसिकली होता क्या है कि एंडोलिम्फ में पोटेशियम ज़्यादा होता है और पेरिलिम्फ में सोडियम ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम सोडियम की मिक्सिंग हो गई। अब मिक्सिंग हो गई तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल सब कुछ जो कुछ सब कुछ होता है जिससे हियरिंग मैकेनिज्म आपका इंटैक्ट रहे, तो सब कुछ मिक्स हो गया, तो क्या क्या डिस्टर्बेंस आएंगे वो देखते हैं। आपका टिनिटस होगा, वर्टिगो होगी, हियरिंग लॉस होगी, फ्लक्चुएटिंग। तो मिक्सिंग हो गया, अब उसके बाद टिनिटस होगा, सीटी बजने लगेगी, वर्टिगो होगा, आपको चक्कर आने लगेगा, हियरिंग लॉस होगी। अब रिजनस मेम्ब्रेन तो चली गई, हियरिंग लॉस हो, लेकिन फ्लक्चुएटिंग क्यों होती है, क्योंकि ये जो रिजनस मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ये 24 आवर्स में फिर से रीजनरेट हो जाती है, फिर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, फिर ये टूटती है, फिर 24 आवर्स में रीजनरेट हो जाती है। इसकी वजह से हर 24 घंटे में रीजनरेट होती है, जिसकी वजह से जो हियरिंग लॉस होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है। बिन ऑरल डिप्लक्यूसिस, इसको नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि दो फ्रीक्वेंसी में आपको आवाज़ सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि एक कान आपका नॉर्मल है, दूसरे कान में मिनियर्स है, तो मिनियर्स की वजह से आपको एक कान में कम सुनाई देगा, एक कान में ज़्यादा सुनाई देगा, या अलग अलग समय पे सुनाई देगा, जिसके इसको बोलते हैं बिन ऑरल डिप्लक्यूसिस। अब होता क्या है, डायलिटेशन ऑफ यूट्रिकल सैक्यूल का डायलिटेशन होता है। अब यूट्रिकल सैक्यूल का एनाटॉमी जानने के लिए आपको एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, तो डायलिटेशन होगा यहाँ पे, उसके बाद मैकुलर डिस्टॉर्शन होगा, डायलेट हुआ तो मैकुला को डिस्टॉर्ट करेगा, जिसकी वजह से ड्रॉप क्राइसिस होगी। ड्रॉप क्राइसिस क्या होता है, ड्रॉप क्राइसिस ये होता है कि ये मैक्यूल जो होता है आपके लीनियर एक्सेलरेशन के लिए मतलब जिम्मेदार होता है, उसके लिए वो हेल्प करता है लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। तो मैकुला आपका हो डिस्टॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है वो फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से ड्रॉप क्राइसिस बोलते हैं, इसको टुमार्किन क्राइसिस भी बोलते हैं। तो मैकुला डिस्टॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से ड्रॉप क्राइसिस होता है, बंदा गिर जाता है, और ये बेसिकली जो ड्रॉप क्राइसिस होती है वो तेज़ आवाज़ जब होती है तो उससे मैकुलर डिस्टॉर्शन होता है और ड्रॉप क्राइसिस होती है, उससे गिरता है। तो बेसिकली जब आप किसी मिनियर्स के पेशेंट को आप उसके सामने कोई तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस करोगे
तो उसमें ड्रॉप क्राइसिस आएगा। अब डायलिटेशन आउटसाइड लाउड साउंड हुआ, स्टेपीज टच द सैक्युलर यूट्रिकल। अब सैक्युलर यूट्रिकल डायलेट हो गए, तो जब डायलेट हो जाते हैं तो वो स्टेपीज के फूड प्लेट के और करीब आ गए ना, तो अगर कुछ भी कोई भी लाउड साउंड होगा तो किसी को बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको बोलते हैं टुलियोस फेनोमेना। क्यों? क्योंकि स्टेपीज हल्का सा मूव करता है, वो सैक्युलर यूट्रिकल से टच कर जाता है। क्यों? क्योंकि सैक्युलर यूट्रिकल डायलेट हुए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जो कि मिनियर से रिलेटेड नहीं है, सैक्यूल यूट्रिकल और सैक्यूल डायलेट नहीं होते, फिर भी उसमें ज़्यादा सुनाई देता है थोड़े से साउंड से, क्योंकि जो आपका स्टेपीस होता है वो हाइपर मोबाइल होता है, उसको बोलते हैं हेनेबर्ट साइन। तो हेनेबर्ट साइन आपका हाइपर मोबाइल स्टेपीस से होता है। इस आपका जो है ये टुलियोस फिनोमेना जो होता है जिसमें वर्टिगो आता है बाद में, वो भी आपका सैक्युलर यूट्रिकल ज़्यादा डायलेट हो गया, जिसकी वजह से तेज़ आवाज़ की वजह से जो स्टेपीड्स है वो जल्दी मूव करेगा, मतलब ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा सैक्यूल से, और जिसके जैसे टुलियोस फिनोमेना होगा, उसके बाद वर्टिगो होगी, उसे टुलियोस फिनोमेना बोलते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी होती है, उसमें क्या देखते हैं? समेटिंग पोटेंशियल अपॉन एक्शन पोटेंशियल जो है मोर देन 30% हो, सॉरी लेस देन 30 हो, यहाँ पर मोर देन 30 है, और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर मोर देन 30 होगा तो मिनियर्स आपका आया होगा। उसके बाद हम रिनीस पॉजिटिव देखते हैं। ट्यूनिंग फॉग टेस्ट में रीनिंग पॉजिटिव होता है, वेबर्स जो होता है लैटरलाइज होता है टू द बेटर ईयर। क्यों? क्योंकि सेंसरी न्यूरल लॉस है। अगर कंडक्टिव होता तो उस तरफ आपका होता। एक इन्वेस्टिगेशन और करते हैं, ग्लिसरॉल टेस्ट, ये डायग्नोस्टिक है मिनियर्स डिजीज़ के लिए। अब ग्लिसरॉल टेस्ट में क्या होता है, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट में बीटा हिस्टिडीन देंगे, इसको वर्टिन बोलते हैं जो मार्केट में आती है, हिस्टामिन डेरिवेटिव है। वैसे डायलिटेशन होता है जिससे आपका एंडोलिम्फ का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और वहाँ पर एंडोलिम्फ कम हो जाता है। इमीडिएट में क्या होगा, लेबेंथाइन सेडेटिव देते हैं, प्रोमेथाजीन और सब बाकी दवाइयाँ हैं। अब उसके बाद हियरिंग लॉस और वर्टिगो में सबसे ज़रूरी जो है वो वर्टिगो है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पेशेंट को प्रेजेंट होती है वो वर्टिगो की होती है। तो उसमें करते क्या है, वेस्टिबुलो टॉक्सिक ड्रग देंगे जेंटामाइसिन। वो कहाँ, वो आपके राउंड विंडो के थ्रू देते हैं, जो आपके टाइप वन और टाइप टू हेयर सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मान लीजिए अगर हियरिंग लॉस ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वर्टिगो है, तो हम वेस्टिबुलो टॉक्सिक जेंटामाइसिन देंगे राउंड विंडो के थ्रू, जो आपके यूट्रिकल सैक्युल में जो हेयर सेल होते हैं वो जो आपके बैलेंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसको बोलते हैं केमिकल लेब्रिथेक्टेमी। तो इसमें डिलीवरी करते हैं, माइक्रोविक डालते हैं थ्रू राउंड विंडो। माइक्रोविक एक छोटी सी पाइप होती है, और टोटल जब आपका हियरिंग लॉस भी चला गया तो टोटल लेब्रिथेक्टेमी करेंगे। उसके बाद सेलेक्टिव सेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर नर्व, अब उसके आगे जाना तो वेस्टिबुलर नर्व को सेक्शन करेंगे, और पेशेंट को हम साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट कहते हैं ले, जिसकी वजह से वहाँ जो सोडियम पोटेशियम की डिस्टरबेंस होती है मिनियर्स में वो कम से कम हो। थैंक यू, मिनियर्स आपका कंप्लीट हो गया।